आज सोलापुर शहर मध्य को लेकर जो बवाल उठा है शहर मध्य में, ऐसा लगता है कि इलेक्शन शहर मध्य में आया है और खासकर हमारे मुसलमानों में इलेक्शन आया है। सब समाज खामोश है, सिर्फ हमारा मुस्लिम समाज ही टूट पड़ा है। टिकट हमको दो, भाई के ताई के बाद भाई, ये जो मसला चल रहा है। तो मैं ताई के सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कोशिश करो, कोशिश करना हर एक का काम है, लेकिन उसकी एक लिमिट रहती है कोशिश करने की। आप सिर्फ ताई के बाद भाई, हमने राखी का हक अदा किया है, बहन का हक अदा किया है, अब बहन को चाहिए कि भाई का हक अदा करे। ये बहन भाई का मसला नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं रहता, बाप बेटे का नहीं रहता, भाई बहन का नहीं रहता है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप कोशिश करो, अगर आपकी कोशिश नाकामयाब होती है तो आप क्या करने वाले हैं। तो हम सोलापुर शहर में एक नया इनोवेशन करना चाहते हैं, एक नई इजाद करना चाहते हैं, एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। और जो प्रयोग यह है कि हम सोलापुर शहर में मध्य विकास आघाड़ी M3 फैक्टर, मुसलमान मोची और माघा स्वर्गीय, ये तीन लोगों के शिष्टमंडल को हमारी बात चालू है। प्रमोद गायकवाड़ जो सीनियर लीडर है वो भी शहर मध्य से इच्छुक है, उनसे भी हमारी बात चल रही है कि दादा आप हमारे आगाड़ी में आ जाओ। और दशरथ ग्रुप से उनसे भी बात चालू है, सिर्फ देवेंद्र भंडारे से हमारी मुलाकात नहीं हुई, उनसे बात नहीं हुई। देवेंद्र भंडारे भी शहर मध्य से इच्छुक है, अगर शहर मध्य से आपको टिकट नहीं मिलती तो आप हमारी आगाड़ी में आ जाओ, हम आगाड़ी बनाएंगे, मुस्लिम मोची और माघा स्वर्ग मिलेंगे। तो शहर मध्य से हमारा आमदार बिल्कुल चुन कर जाएगा, क्योंकि 1 लाख वोटिंग मुसलमानों की है, 50 से 60 हजार वोटिंग मोची समाज की है, 30 से 40 हजार वोटिंग माघा स्वर्गीय है, 2 लाख वोटिंग हम है। तो हमको कोई भी हरा नहीं सकता। सर्वपक्षीय लोग एक जगह आओ, सर्व वरिष्ठों को लेकर बैठेंगे, सर्व वरिष्ठों को लेकर बैठकर एक उम्मीदवार तय करेंगे और हर टर्म को एक आमदार देते जाएंगे हर समाज को। मोची समाज भी 60-70 साल से कोशिश कर रहा है, अपनी जंग लड़ रहा है कि उनका आमदार बने, उनका भी आमदार नहीं बना। हम भी 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, अब्दुल सत्तार जमादार के बाद हमारा भी आमदार नहीं हुआ। हम भी हर साल कोशिश करते हैं, लेकिन हम किल्ला ढकलने का काम कर रहे हैं जो होने वाला नहीं है। एक समाज की वोटिंग पर कोई चुनकर नहीं आ सकता। तो हम जब तक ये हाथ को मुट्ठी नहीं बनाएंगे, हमारी ताकत नहीं बनेगी और हम चुनकर नहीं आएंगे। तो हमको एक दो समाज का साथ चाहिए। तो मैं ये दो समाजों को गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ आओ, हम मध्य आघाड़ी बनाएंगे और एक नया इतिहास रचेंगे और हमारे आमदार देंगे, ऐसा मेरा कहना है। मध्य विकास आघाड़ी के लिए हमारी कोशिश जारी है। मी MIM पक्षात आहे, मी इथं कोणत्या पक्षाचा नाही म्हणून नाही, एक इनोवेशन कि हम आमदार हमारा क्यों नहीं चुन सकते। हमारे मुस्लिम समाज की कोशिश जारी है, हम दुविधा में फंस जाते हैं। MIM से रहे तो कांग्रेस वाले दुश्मन, कांग्रेस में रहे तो MIM बोलते ये मुसलमान नहीं, कांग्रेस वाले बोलते MIM का मुसलमान नहीं, तो हम कौन से मुसलमान है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर आप कोशिश करो, अगर आपको टिकट मिलती है तो ठीक है, अगर टिकट नहीं मिली तो आप क्या करने वाले हैं। तो सब मिलकर लड़ेंगे, जैसा हिंदुस्तानी हम अंग्रेजों से अकेले अकेले लड़ते गए और मार खाते गए, अगर उस टाइम पर सब मिलकर एक साथ हमला करते अंग्रेजों पर तो हमारा देश 1857 में ही आजाद हुआ होता। तो इस तरह से इस बार अगर हम तीनों फैक्टर एक साथ आएंगे, M फैक्टर, तो हमारी जीत पक्की है, हम सामने वाले को हरा सकते हैं। हम सरकार से पूरे देश भर में सभी धर्मों को लेकर जो है चुनाव लड़ना ये माना जाता है, लेकिन आप सीधे तौर पर जो है बहुसंख्यक समाज को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि M फैक्टर हम आएंगे तो कोई नहीं। M फैक्टर बोलो, एक M फैक्टर मुस्लिम नहीं है। हम चाहते हैं कि मोची समाज और माघा स्वर्गीय शहर मध्य में इनकी तादाद ज्यादा है, तो ये समाज हमारे साथ आएगा तो इंशाल्लाह हम यहाँ से बिल्कुल चुन कर आएंगे और सामने वाले को भी आमदार की मिलेगी अगले टर्म में। मुस्लिम समाज के कितने लोग आपके साथ संपर्क में, कितने कार्यकर्ते, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने लोग आपके संपर्क में आए? मुस्लिम समाज के जितने एजुकेटेड लोग हैं वो सब मेरे संपर्क में है। और रही सवाल कांग्रेस के लीडरों की बात, तो वही मैं ताई के भाइयों को आपके चैनल से
आपके जरिए उनको मैसेज देना चाहता हूं कि आओ सब मिलकर बैठेंगे, सब मिलकर एक उम्मीदवार तय करेंगे। अगर फारूक साहब भी हमारे साथ आते हैं तो फारूक साहब भी, प्रमोद गायकवाड़, देवेंद्र भंडारे, दशरथ गोप और रिया झुंडेकरी, आरिफ महापौर, टोपी खत्तूरे, शौकत पठान, वाजिद सालार, नजीब शेख, जुबेर कुरैशी, शकील मौलवी, जो जो लोग इच्छुक है वो सब लोगों को हम लेकर बैठेंगे और जिसमें एक उम्मीदवार को लोक समाज चुनेगा वो इस एक उम्मीदवार के पीछे इस टर्म को जाएंगे, अगले टर्म को मोची समाज को देंगे। जो भी तय होगा मीटिंग में तय होगा, शिष्टमंडल में तय होगा कि पहला टर्म मोची समाज को मिलेगा, मागास वर्ग को मिलेगा या मुस्लिम को मिलेगा। नहीं, फारूक शाब्दी बिल्कुल, फारूक शाब्दी यहाँ से बिल्कुल उम्मीदवार तय है, लेकिन एक समय बिल्कुल करने वाला मैं फारूक, सुनो मैं इस फारूक शाब्दी का ही काम करने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फारूक शाब्दी को जिताने के लिए हम एक समाज पर चुनकर नहीं आ सकते। हम 1990 से खैरदी वकील के टाइम से देख रहे, यही एडम मास्टर स्टेज पर ठहर कर ऐलान करते थे, खैरदी साहब 10,000 वोट मेरे गिन कर लो, और 10 वोट भी आड़म मास्टर ने खैरदी वकील को नहीं दिया, 6,000 वोटों से खैरदी वकील की हार हुई। उस टाइम से अभी तक देख रहे कि हम 10-15 हजार वोटों की हमको जरूरत है, वो हमको दूसरा समाज दे सकता है और अगले टर्म को हम उनको आमदार दे सकते हैं, दोनों का भी फायदा है इसमें। ये जो संपूर्ण तैयारी फारूक साहब के साथ द्वितीय आघाड़ी की मोर्चा की तैयारी है, ये जो तैयारी चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों ना इंजीनियर डॉक्टर लोकाना आघाड़ी तैयार हो, क्या फारूक साहब के साथ प्रयत्न चालू है? फारूक शाब्दी के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर जाए। अगर फारूक शाब्दी काबिल है तो बेशक फारूक शाब्दी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर फारूक शाब्दी हमारे आघाड़ी में आते होंगे तो लोग, कुछ समाज के लोग क्या बोलते हैं कि जिस तरह मुसलमान बीजेपी को नहीं डालता उसी तरह हिंदू समाज MIM को नहीं डालता, तो हमको एक आघाड़ी बनाकर लड़ना है और एक उम्मीदवार को जिताना है। फारूक शाब्दी MIM पक्षाकडून न लढवता मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फारूक शाब्दी हमारी आगाड़ी से आकर लड़ाएंगे तो इंशाल्लाह वो जरूर आमदार होंगे। MIM से लड़ेंगे तो हमको 20,000 वोटों की कमी महसूस होगी, हम 20,000 वोट लाने के लिए तो ये महाविकास आघाड़ी तैयार कर रहे हैं। पड़ू शकता नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पब्लिक तय करेगी, लेकिन हमको आसानी से जीतना है तो हम महाविकास, जो इसको महाविकास आघाड़ी बोलेंगे, मध्य विकास आघाड़ी, तो ये मध्य विकास आघाड़ी में अगर ये लोग सब मिलकर आएंगे तो सबका फायदा होगा। मोची समाज का भी देखो आज तक यहाँ पर आमदार नहीं हुआ, अम्बेडकरी समाज का, मातंग समाज का यहाँ पर आमदार नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि सभी को मौका मिले, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, इन्नल्लाह मा सबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम वही तो बोल रहे हैं कि हम बैठ कर चर्चा करेंगे, चर्चा कर कर ही फाइनल करेंगे कि किसको ठहरा करना है, कौन काबिल है, कौन लड़ सकता है। मेरी ताकत नहीं है MLA के लड़ने की, क्योंकि MLA के लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब चाहिए, वो मैं नहीं कर सकता। मेरी काबिलियत होंगी लेकिन मेरे पास लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है, मैं कैपेबल नहीं है। मैं नगर सेवक में खुश हूँ, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज को जो आज तक आमदार की नहीं मिली, ये कांग्रेस वाले चाहते तो MLC भी दे सकते थे, वो लोग MLC भी नहीं देते, और कांग्रेस के पीछे निष्ठावंत रहने की वजह से ही 1990 से मुस्लिम उम्मीदवार हार रहा है। ये जो कांग्रेस के निष्ठावंत है, हर बारी इन्होंने निष्ठा अपनी दिखाकर कांग्रेस को वोटिंग किया और कांग्रेस को जिताकर लगाया लाया, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया, तो ये लोग महाविकास मध्य विकास आघाड़ी में आएंगे तो इंशाल्लाह इनका भी फायदा होगा। अभी अभी आपने कहा कि मुस्लिम कमेटी और मोची समाज भी 70 सालों से जीत के लिए लड़ रहे हैं, अगर मोची समाज बोल दिए कि हमको इस बार वोट क्या देंगे? बिल्कुल, हम ये तय करेंगे ना बैठक में कि जो समाज की मतदार संख्या ज्यादा है पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो भी क्राइटेरिया ठहरेगा, जो वरिष्ठ बैठेंगे वो क्राइटेरिया में हम बात करेंगे कि पहला टर्म किसको देना है किसको नहीं, वो लेकर आगे बात चलेगी। समझा, महाविकास आघाड़ी का उचित निर्णय है,
त्या अनुषंगाने कुणाला तर दुसऱ्याला उमेदवारी मिळाली, फारुख साहेब हे एमआयएम कडून उभारले, त्यावेळेस तुम्ही कुणाचं काम करणार? देखो ये जो मध्य विकास आघाड़ी हम बना रहे हैं, इसका जो भी उम्मीदवार तय होगा, वो अभी तो मध्य विकास आघाड़ी बनी नहीं, हमारी चर्चा चालू है। लोग बोल रहे हैं कि हम बैठेंगे बात करेंगे, लोग कन्विंस हो रहे हैं इसमें। जो फारूक शाब्दी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस, आप हम बोल रहे हैं ना पहला, नहीं उनको भी चुनकर आने का, वो नहीं बोलेंगे ही नहीं ना, उनको भी ही महाविकास आघाडी नाही आहे, शहर मध्य विकास आघाडी, मध्य विकास आघाडी। देखो हम फारूक शाब्दी को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे कि सर आओ, आप यहाँ से आमदार बनेंगे। अगर वो नहीं आते तो आगे की बात जो बैठकर श्रेष्ठी तय करेंगे उस पर चर्चा। मैं अकेला सोबत राहणार की तुमच्या मध्य विकास आघाडी सोबत राहणार त्यावेळेस? अगर मध्य विकास आघाड़ी बनती है तो बेशक यहाँ से फारूक शाब्दी को ही प्रेफरेंस देंगे, मैं बोल रहा हूँ। अरे ऐसा होगा ही नहीं, उम्मीदवारी उनको ही मिलेगी। अगर उम्मीदवारी उनको मिली तो तुम्हारी जो मध्य विकास आघाड़ी किसका काम करने वाली? फारूक शाब्दी का काम करने वाली। उम्मीदवार तुम्हारा पूरे मोची समाज को चाहिए? मोची समाज, देखो मोची समाज को कैसा एडजस्ट करने का, हम उनके नेते बैठकर तय करेंगे। देखो इसके पहले भी एक प्रस्ताव सोलापुर शहर का नाम चेंज करने का दिया था मैं, सोलापुर सब जगह के चेंज हो रहे थे नाम, तो मैं जब प्रस्ताव दिया था कि सोलापुर शहर का नाम चेंज कर शाहजोर वली या जांबू मुनि रखा जाए, ये मेरा प्रस्ताव था। मेरे मोची समाज के साथ अच्छे रिलेशन है, हम बैठ कर तय करेंगे कि पहला टर्म किसको देना है किसको नहीं देना। देखो मैं एमआयएम में तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पार्टी का वो उम्मीदवार आमदार बने। देखो मैं हाँ सर, आप मेरा मकसद ही नहीं समझे। मध्य विकास आघाड़ी बनाने का जो मकसद है हमारा, यही मकसद है कि प्रमोट करने, म्हणजे त्यांनी मागच्या वेळी इलेक्शन लढवली, निवडणूक लढवलेली आहे तर त्यांना एक्सपिरियन्स आहे, तर तो एक सक्षम उमेदवार आहे, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू कि फारूक शाब्दी आमच्या आघाडीमध्ये याव। एमआयएम पक्ष सोडून येईल का? प्रयत्न करू। ते आधी हे सगळा हे मध्य विकास आघाडी तुला मी स्थापन करणार आहे, दिलेले हो साहेब, तुम्ही ऐकलेच नाही। राजकीय पार्टी आहे काय हे? मध्य विकास आघाडी म्हणजे आहे ना सर्व समाजाला घेऊन चालणारी आहे। आम्ही जर हे सक्सेस झाले तर पुढच्या महापालिकेलाही आम्ही निवडणूक लढू, तिथे आम्ही महापौराला चान्स देऊ, आणि 100% मध्य विकास आघाडी हे सोलापूर विकास आघाडी म्हणून लढेल त्यावेळी। आणि जर आमची सत्ता आली तर आम्ही महापौर आहे ना दुसऱ्या समाजाला देऊ। आज जो काँग्रेस के जो उमेदवार आहे, जो काँग्रेस के नेता के पास कंटिन्यू दौरे होके चालू है, मांगनी चालू है, वो अगर आपके मध्य विकास आघाड़ी में आते होंगे और वो भी आते होंगे और दूसरे बाजू से अगर फारूक शाब्दी अगर उनको अवसर होगा तो किसको रेफरेंस देने वाले? फारूक शाब्दी को या जो आघाड़ी के कार्यकर्ता हो, वो भी चाहते हैं कि वो तुम्हारे पार्टी इससे जो फार्मूला तैयार हुआ उससे अगर वो ठहरना चाहते हैं, जो भी जो अभी जो कांग्रेस के राष्ट्रवादी की जो उम्मीदवार है, दूसरी बाजू है कि फारूक शाब्दी अगर एक बाजू है तो ये किसके था? और तीसरी बात मास्टर के पास मुसलमान। हाँ सुनो ना, मैं देखो हमारा मध्य विकास आघाड़ी का बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे शहर से एक अच्छा काबिल उम्मीदवार चुनकर जाए। अगर कांग्रेस के जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अगर हमारे साथ में आते हैं तो बैठकर मोची समाज, मागास वर्गीय और मुस्लिम समाज, ये सब इनके वरिष्ठ लोग समाज के, हमारे समाज के उलमा लोग भी हैं, उनको भी बिठाएंगे,
वकील डॉक्टर इंजीनियर है, राजकीय लोग है, इनको बिठाएंगे। इसमें से एक उम्मीदवार जो भी लोग तय करेंगे, समाज तय करेगा, समाज जो उम्मीदवार तय करेगा रियाज खराबी उसका काम करेगा। अगर उसको समाज अगर ये जो फारूक शाफी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उलमा वगैरह जो भी है, तो ये लोग इनको फारूक शाफी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और फारूक शाफी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके अंदर तुम्हारी जो मध्य विकास अगर आप नहीं, अभी तक तो ऐसा कभी हुआ क्या नहीं। आज के तारीख में कौमी एकता मंच का ऐसा कहना है कि बीजेपी अगर उनको चलती, मुस्लिम का उम्मीदवार चलता है, लेकिन एमआईएम नहीं चलती, तो उसमें आपकी उम्मीदें क्या रहने वाली। देखो ये मसला वो इच्छुक उम्मीदवारों का है कांग्रेस के, कि उनको बीजेपी की चलती है लेकिन उसको एमआईएम नहीं चलता। हाँ ठीक है ठीक है, कौमी एकता मंच, सुनो सुनो, एकता मंच का कहना है कि उनको मुस्लिम का बीजेपी का उम्मीदवार चल सकता है, लेकिन एमआईएम नहीं चलती, एमआईएम की विचारधारा अलग है और उनकी विचारधारा से सहमत नहीं होता। कौमी एकता मंच में 90% लोग कांग्रेस के, 99% 90 भी नहीं, 99% कौमी एकता मंच में मुस्लिम कांग्रेसी लोग हैं, तो उनको मुस्लिम उम्मीदवार को जिताना ही नहीं है ना। 1990 से देख रहे, यही लोगों की वजह से मुस्लिम उम्मीदवार हारता है, आप भी देख रहे हो, इन्हीं लोगों की वजह से। ये लोग अपनी निष्ठा दिखाकर इनके ताई को हमेशा तीन टर्म चुन कर लाए, इसके पहले के लोग सीनियर लोग वही भी निष्ठा दिखाकर उनके उम्मीदवार को यलगुलवार साहब को चुन कर लाए, तो यही लोग नहीं चाहते ना मुस्लिम उम्मीदवार यहां से आमदार बने। तो मैं इसीलिए तो अकाड़ी करना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जो एमआईएम का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो हम दूसरे समाज के पास इसीलिए जा रहे हैं कि वो समाज हमारे पास आएगा तो उनका भी उम्मीदवार आमदार बनेगा अगले टर्म को। ये जो कौमी एकता मंच को कंटिन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेकर उनका कहना है सर, अगर वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम का आमदार होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना है? हाँ बिल्कुल, यही नहीं चाहते उनको, मालूम है टिकट मिलने वाली नहीं, 100% टिकट। अभी आपको मैं मेन मसले पर लाता हूँ, यहाँ से उम्मीदवारी सिर्फ और सिर्फ आड़म मास्टर को मिलेगी। क्यों मिलेगी? अगले 5 साल को लोकसभा ओपन होने वाला, ओपन कैटेगरी में आने वाला, ओपन कैटेगरी में आएगा तो ऐसे दिग्गज लोग मैदान में आएंगे, और उस वक्त फिर हमारे जो नूतन खासदार है वो जाने वाले का, वो वापिस शहर मध्य को ही आने वाले। अभी आड़म मास्टर है 83, अगले 5 साल तक वो जो हो जाएंगे 88, तो वो बैठेंगे घर पर, और वापिस अगर समझो मैं यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को दिए टिकट, मुस्लिम उम्मीदवार या मोची समाज का उम्मीदवार चुनकर आता है तो उसका क्लेम रहने वाला कि मैं चुनकर आया, ये सीट मेरी है, मेरे को मिलना चाहिए, फिर हमारे नूतन खासदार जाने वाले का, तो उनके लिए एमआईएम या कांग्रेस ये फैक्टर मैटर नहीं करता, उनको सिर्फ है ना अगले टर्म को यहां से ये सीट वापस क्लियर चाहिए कांग्रेस के लिए, तो वो लोग ना तो मोची समाज को देंगे ना तो मुस्लिम समाज को देंगे, ये सीट जाएगी आड़म मास्टर को। इसलिए हमारी कोशिश है कि एक तब अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर हम आज भी एक नहीं होते तो फिर कभी भी नहीं होंगे। सुनो मैं ये रेस में नहीं हूं, मैं नगर सेवक में समाधान हूं, मेरी काबिलियत है आमदार की लेकिन मैं कैपेबल नहीं हूं उसके लिए। फॉर्म भर कर आए तक घर के कागजात लेकर सौकर पास घूमना पड़ेगा पैसों के लिए तो इसके लिए पैसा भी चाहिए। मध्य विकास आघाड़ी एक ही उम्मीदवार देंगे, हमारे उलमा लोग समाज के वरिष्ठ लोग जो बैठकर डिसीजन लेंगे। समझो अगर शाहनवाज को टिकट फाइनल है तो रियाज खराबी उलमा लोग और समाज के साथ शाहनवाज के पीछे जाएगा, अगर आकिब सैयद को फाइनल है, जमीर भाई को फाइनल है, जो भी फाइनल होगा तो जमीर भाई को फाइनल है। परार से जमीर भाई भी कोशिश कर रहे हैं, हम परार को भी कॉन्टेक्ट करेंगे, ये परार वाले भी हमारे साथ आ जाओ, बच्चों कड़ू भी है ना सेकुलर है वो लोग भी, परार वाले भी अगर हमारे साथ है तो हमको और पटबड़ मिलेगा।
फरार वालों को हम कहीं तो कहीं एडजस्ट करेंगे। बच्चू महायुति में रहते हैं लेकिन दिल से महाविकास आघाड़ी में, वो मुसलमानों के साथ है। मुसलमानों को मुद्दे उठाने हमारे मुस्लिम आमदार नहीं उठे, बच्चू गड़ू ने परसों मुस्लिम समाज का मुद्दा उठाया। आने वाले दौर के अंदर ये जो पूरी कवायद चल रही है, हम ये पूरी पत्रकार परिषद में ये अगर डिस्कस करके फारूक शास्त्री को कहीं तो यमान के माजी नगर सेवक रियाज कराते प्रमोट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। प्रमोट मेरा नेता है जो को सुनो, अभी जमीर भाई किसको प्रमोट करेंगे? बच्चू गड्डू को। मैं किसको प्रमोट करूंगा? अपने नेता को। सर समझा तुमच्या मंत्री विकास आघाडीच्या वतीने जमीर भाईला उमेदवारी द्यायची फायनल केली, समजा मध्य विकास आघाडी ने ऐका रियाज खराती देणार नाही, समाजाने जर जमीर मी काय म्हणतो तुमची भूमिका त्यावेळेस तयार राहणार जर त्यांच्या बाजूला असणार आहे मध्य विकास आघाडी आणि समाज जमीर भाईला प्रमोट केले तर रियाज खराती जमीर भाईचं काम करेल, विरोध नाही। समाज जिथे जाईल मी समाजासोबत जाणार। आम्ही बीजेपीच्या विरोधात आहे, इथून बीजेपी येऊन देवेंद्र भंडारे, देवेंद्र भंडारे काँग्रेसचे आहे, काँग्रेसचे आहे देवेंद्र भंडारे, तो पण इच्छुक आहे काँग्रेस कडून, तो भी मागणी करत आहे। शहर मध्य विकास जो है ये अभी सिर्फ इलेक्शन तक मर्यादित है, इसके बाद में कोई सामाजिक कार्य करने नहीं बिल्कुल सोचने दे। देखो खाली सुनो सुनो, सब लोग मैं 2002 से समाजकारण में, आपको भी मालूम है, आप मैं मिलकर जमीर साहब के अब्बा हुजूर याकूब साहब पास आते थे गाइडेंस लेने, मालूम है ना। हाँ मैं जब का चढ़वड़ का नेता हूँ। अच्छा ये ठीक है, शहर मध्य नहीं नहीं, अभी अभी हमारा टारगेट सिर्फ शहर मध्य है। अगर शहर मध्य सक्सेस होता है तो महापालिका में हम शहर उत्तर और दक्षिण ये दोनों जगह पूरे सिटी में हमारे पास, मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम सोलापुर शहर के लोगों का विकास कैसा कर सकते हैं, सोलापुर शहर के लोगों को क्या क्या फायदे कर सकते दे सकते हैं। आपके प्रेस नोट में एक चीज लिखी है, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेला मध्य आघाडीमधून त्याला उमेदवारी देण्यात येणार। नाही नाही सर, ते थोडं आपण लिहिलं सांगत, आपण लिहिलं आला असेल। माझा मत असं आहे की तुम्ही म्हणताय की तुम्ही एमआयएमचे नगरसेवक आहे, एमआयएम पक्षामध्ये तुम्ही दिसत नाही, तुम्ही मग कधी फारूक शब्दाच्या विरोधात कधी बाकीच्या लोकांच्या विरोधात वारंवार बोलतात, त्याच्यानंतर तुम्ही परत म्हणता की फारूक शब्दींना तिकीट मिळालं तर फारूक शब्दी काम करणार आहे, शाब्दीच्या विरोधात बोललो नाही। माझी एक ही बाईट दाखवा, मी कधी फारूक शाब्दी किंवा एमआयएमच्या कुठल्या कार्यकर्त्यावर आजपर्यंत बोललो या पार्टीच्या विरोधात काम केलो असं कधी? कधी बॅनर फोटो सुद्धा नव्हता। हा ऐका बॅनर हा लागले की ऐका काय होता, त्यावेळी फारूक शाब्दी साहेबांनी आहे त्यांच्या भावाला प्रमोट केले माझ्या प्रभागात, मी एमआयएमचा गटनेता, फारूक शाब्दीचा निष्ठावंत कार्यकर्ता, त्यांनी काय केले गाजी जहागीरदारला आणून माझ्या प्रभागात ढोली बाजा लावून माझ्या प्रभागात फिरवले आणि प्रमोट केले की प्रभाग 14 या प्रभागाचा एमआयएमचा उमेदवार म्हणून त्यांच्या भावाला काही कार्यकर्ते प्रमोट केले, तर मला थोडा राग आला की मी तुमचा नगरसेवक आहे गटनेता, तुम्ही मला आदेश द्या ना, माझ्या भावाला तिकीट मी देणार, तू घरी बस, नाही घरी बसलो तर माझं नाव रियाज करा दे नाही, तर मी रागाने त्यावेळी आहे त्यांचा फोटो टाकलो नाही, परंतु मी कधीही फारूक शाब्दी बद्दल किंवा पार्टी विरोधात आजपर्यंत बोललो नाही। मला त्यांना त्यांनी मला आमंत्रण दिले का नाही दिले का, मला पार्टीने आहे ना नगरसेवक केले, पार्टीमुळे मी नगरसेवक झालो, मला प्रसिद्धी मिळाली, तर काम करण्याची संधी मिळाली एमआयएममुळे, मी पार्टीच्या विरोधात कधी गेलो नाही, पार्टी मला काढून भी टाकले, मी अपक्ष उभारला किंवा दुसऱ्या पक्षाकडून भी उभारलो तर मी पार्टीवर कधी टीका टिप्पणी करणार नाही, त्या पार्टीने मला खूप काही दिलेलं आहे। हा बोलत जात नाही, त्यांनी मला कधी बोलत नाही, तरी बी मी पार्टी विरोधात कधी बोललो नाही। मी बोलतो की आज मी आज राष्ट्रवादी नाही नाही मी कधी राष्ट्रवादीच्या
राष्ट्रवादी पासून ऐका सर, तुम्ही कधी काँग्रेसच्या लोकांना जाऊन तिथे निधी देताय, राष्ट्रवादीच्या लोकांना जाऊन कुठल्या कुणाला प्रभागात निधी देताय? कुणाला निधी दिलो मी? त्यावेळी आम्ही एमआयएम पक्ष एकत्रित होतो, त्या मंत्री चंडकचे मशिदीचे मुतवल्ली लोक माझ्याकडे आले की रियाज भाई रस्ता खूप खराब आहे, या मतदान नाही बोलकर मेन रोड पर लोग हमारे को निधी देते नहीं, नगर सेवक ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं उस टाइम पर है ना पलवान को बोला, पलवान तुम 10 लाख दो, 10 लाख निधि मैं देता, मेरे को 75 लाख निधि मिली थी, मैं 10 लाख देता, तुम 10 लाख दो, 20 लाख में पूरा रास्ता तैयार होता। तो 10 लाख की निधि, सामने का जो रोड है ना, अंदर जो जाने के लिए बहुत खड्डे थे जमीर भाई, एक एक फुट के खड्डे थे, जाना मुश्किल था, रात में बुजुर्ग लोगों को तकलीफ हो रही थी। उस वक्त 10 लाख की निधि देकर वो रोड मैं बनाया, उस वक्त एमआईएम पूरी एक थी। हम हुआ ना, मैं अपने प्रभाग में इतना काम किया हूँ पाचापेट में, आपको मालूम है। देखो राजकारण में कभी कोई कायम शत्रु और दोस्त नहीं रहता जमीर भाई, आप भी देखे प्रभाग में मैं अकेला नगर सेवक है महाराष्ट्र का, जो महापालिका में बैठकर रस्तों के लिए मुंडन किया हो। शिवशंकर साहब ने उस वक्त मुझे कमिटमेंट किया कि आपके इस प्रभाग के सब रस्ते होंगे। आज यहाँ पर यात्रादी पूरे तौर पर मध्य विकास आघाड़ी के तौर पर मानिका सागरी हो या फिर एमआईएम पक्ष हो, ये सारे लोगों को खुली चेतावनी दे रहे हैं या फिर उनको एक अपील कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग एक साथ आ जाए और एक उम्मीदवार ठहरा कर हम उसका काम करें। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो उस वक्त शहर मध्य विकास आघाड़ी बनी रहेगी या टूटेगी? देखो आगाड़ी बने तो ही आगे का काम चलेगा, लोगों को कन्विंस करना। देखो स्टार्ट में जब शिवसेना आई तो उनके कोई ज्यादा नगर सेवक आमदार नहीं थे, 1966 में शिवसेना का जन्म हुआ और बीजेपी 2 खासदार लेकर चली थी, 302 तक, 303 तक पहुंची। उसी तरह हम सब लोग भी बैठेंगे, मैं तो सभी पार्टियों को दावत दे रहा हूँ कि आओ अच्छे लोग आओ, अच्छे लोग आते नहीं। अभी ये रिटायर्ड हेडमास्टर है, ये लालकोट सर है, ये रिटायर्ड प्रोफेसर है, ये अल्फाइज के सेक्रेटरी है, इंजीनियर है इलाही जमादार, और ये हफीज साहब है। हम उलमा लोगों को धीरे धीरे लेकर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश देखो कामयाब होती है, कोशिश करना अपना काम है, घर में बैठेंगे तो काम नहीं होगा। इसके अंदर एक अभी चीज है, सोने का चमचा तोड़ा जो सोलापुर की समस्या समझ ले रहे रोक मिलावट है, आप जो बोले कि सोने का चमचा लेकर आए पैदा होने से, ये किसके किसके बारे में बोलना चाह रहे? देखो हम यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि थे उनको अजीत दादा ने स्पेशल निधि 25 करोड़ रुपए की निधि दी थी। कौन? सबको मालूम है, नाम लेने की क्या जरूरत? नाम तो लोग शहर मध्य के लोक प्रतिनिधि नहीं मालूम तीन टर्म के? लोक प्रतिनिधि देखो इतनी बड़ी निधि लाने वाला नगर सेवक नहीं रहता, आमदार ही है। अरे अभी आमदार नहीं मालूम तुमको? अभी अरे ऐसा कैसा नाम लेकर क्यों अड़चन में आने का? तो मैं चाहता हूँ कि 25 करोड़ रुपए देखो थोड़ा बचकर भी सियासत करनी चाहिए, बच बचा कर भी करेंगे तो लास्ट तक चलते हैं। जरूरी सवाल है, 2024 के छोटा किंदर एमआईएम पार्टी को 37,000 वोट, 2019 में 38,000। तो मेन मेरा सवाल ऐसा है कि जब 2014 और 19 के अंदर जब 37,000-38,000 वोट मिलते रहेंगे और तुम वोट पार्टी के अगर नगर सेवक कार्यकर्ता है वो पार्टी के विरोध नहीं चाहते बोलते तो तुम तुम्हारे पार्टी का काम छोड़ो, ये नवीन महाविकास आघाड़ी या मध्य विकास आघाड़ी बनाकर लोगों को क्यों पागल बना रहे? नहीं नहीं पागल है मैं छोड़ो, तुम बोलते हो 99 फीसद कांग्रेस का, मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे और लोग वो बोल रहे कि वो लोग हमको पागल बना रहे। तो अब आज ये भी बोलेंगे लोग रियाज करा भी हमको और पागल बनाने का दूसरा तरीका अपना है, तो ये मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाले जी ऐसे लोगों को पैदा कर रहे छोड़ रहे कि मतलब बीजेपी और हिंदुत्ववादी वोट मजबूत होना नहीं, मैं तो ये मेरा मकसद है कि जो हिंदुत्ववादी फैसिज्म है
उसको खत्म करने के लिए हमको सेकुलर लोग एक साथ आना जरूरी है, और सेकुलर लोग आने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यमा मुस्लिम मोची और माघा स्वर्गी मिलेंगे तो हमको कोई भी नहीं हरा सकता यहाँ से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुस्लिम ही यहाँ से हम चुनकर नहीं चुनकर आ सकते ना, 37,000 वोट मिले चुनकर आया गया उम्मीदवार, 10,000 से हार हुए, तो 10,000 वोट बढ़ाने के लिए आप अपने पार्टी के लोगों के साथ मिलकर किसका कहां से लाने का? तुम्हारा तो कुछ पार्टी के कार्यकर्ता के साथ भी जमता नहीं, कैसा काम कर रहा है? सुनो, मेरा पार्टी से कार्यकर्ता से नहीं जमा तो भी मेरे खानदान के और मेरे दोस्तों के मिलाकर 4,000 से 5,000 वोट है मेरे अकेले खानदान की वोटिंग। आप इस पर गूगल पर वो तो हम ऑलरेडी एमआईएम के डालते ना। सुनो सुनो, ये मेरे जो 4,000-5,000 वोट है ना, ये कभी बाहर नहीं गए, वो एमआईएम मुस्लिम शाब्दी को हम मुस्लिम उम्मीदवार जब से होश संभाला कॉलेज में था, खैरदी साहब ठहरे थे उस वक्त मैं कॉलेज में था, कॉलेज 9 बजे बंद कर कर पूरे लड़कों को लेकर रैली निकालता था मोटर मोटर बोलकर। आप सुनेंगे दबाव घातले, सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट था तो आप कांग्रेस के ऊपर दबाव डालते जो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देते हो तो इलेक्शन नहीं लड़ना, सिर्फ एमआईएम करना है, तुम करो ना दबाव। सुनो जमीर भाई, उस वक्त मैं बोला था कि अगर उम्मीदवार नहीं दे रहे तो कम से कम बैठ कर कमिटमेंट तो लो। हम और अड़चन कैसी है, महाविकास आघाड़ी में एमआईएम नहीं है तो महाविकास आघाड़ी एमआईएम को कमिटमेंट भी नहीं दे सकती कि हम तुमको टिकट छोड़ेंगे। तो इसी पहले 2014 में और 2019 में एमआईएम के कैंडिडेट दो नंबर सीट पर है, और इस बार तो तुम इस बार तो मध्य में वोटर भी बढ़ा, तुमको कैसा लग रहा है कि एमआईएम की सीट नहीं आएंगे? सुनो, इस बार उम्मीदवार कम रहेंगे, पिछली दफा महेश कोटे, दिलीप माने, परिणीताई शिंदे, अड़म मास्टर, ये 4 दिग्गज उम्मीदवार थे। इस बार 4 में से है ना 2 ही रहने वाले, 2 नहीं रहने वाले, एक महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार रहेगा और एक बीजेपी का रहेगा और एक एमआईएम का रहेगा, तो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा ना। अभी जितना है तो 65,000 से 70,000 वोट लगेंगे इस बार, बढ़े भी ना बढ़े तो कितने बढ़े, सबके बढ़े, ऐसा नहीं कि मुस्लिम के जो 30,000 वोट बढ़े बाकी किसी समाज के नहीं बढ़े, ऐसा नहीं, सब समाज की वोटिंग बढ़ी, सब में जागरूकता आई है, सब लोग अपने अपने मतदान कार्ड बना कर लिए, तो अभी जो जीत का अंतर रहेगा वो जीतने के लिए कम से कम, अभी पत्रकार परिषद है ये सब रिकॉर्डिंग होने वाला, जीतने के लिए कम से कम 65,000 से 70,000 वोट लगेंगे, तो 65,000 से 70,000 वोट के लिए तो हम चाहते हैं कि आघाड़ी बने। होता ना, क्यों नहीं जुल्म, बाकी सब चीजें देखो तो आप समाज के जिम्मेदार बोलकर या मध्य विकास आघाड़ी बोलकर तो मध्य और मुस्लिम समाज को मद्देनजर रखकर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, मुस्लिम समाज से जो तो मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, आपकी नजर नहीं आती है? कैसे नहीं नजर आते हैं सब? अभी विशालगढ़ का तो अभी स्टेटमेंट मैं दिया, देखो मैं क्या बोलता हूँ, सोलापुर देखो जब हाँ तो जहाँ भी जुल्म होता तो अल्लाह मियाँ है ना 3 कैटेगरी रह गया बुराई को रोकने के लिए, अगर आप में ताकत है तो जाकर हाथ से रोको, अगर आप में ताकत नहीं तो जबान से बोलो, अगर वो भी नहीं तो दिल में तो सोचो कि ये बुरा हो रहा है, तो ये 3 कैटेगरी में से मैं दूसरे कैटेगरी में, बस जबान से तो बोलता है कि गलत हो रहा है, धार्मिक नहीं, अल्लाह सुनो हम जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला के, जब जब समाज के ऊपर अन्याय होता है तो आप कहीं नजर नहीं आते, देवेंद्र कोटे बोले उसका तुम जवाब दे, सुनो जब मॉब लिंचिंग सर की 3 प्रकार सोलापुर में हुए आप कहीं नजर ही नहीं आए, कहां पर भी मॉब लिंचिंग सवाल है, मॉब लिंचिंग कहां भी आप बोल रहे हो तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सोलापुर के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सवाल है, तो लोग भी सोचते हैं कि हम ऐसे लोग प्रतिनिधि को ठीक उठा रहे हैं, का अहरवाड़ी में मॉब लिंचिंग यहां पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को कुछ जाति के लोगों ने जो वहां पर खूब पीटा, उसके बाद वो एफआईआर भी हुई मंडल पुलिस स्टेशन में, उसके बाद एफआईआर होने के बाद वर्तमान पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई,
आज तक वो केस चल रहा है, आपने उस व्यक्ति को उस विद्यार्थी को जाकर एक बार तो मिला? नहीं नहीं मिला। शिर्की परिसरात एक युवकाला मारण झाले, घेऊन जाऊन मारा गोटी लावून घेऊन, हा देखो हर आदमी जाकर मिलना जरूरी है क्या? सुनो हाँ, तो हमारे ईमान के लोग गए थे ना वहाँ। सुनो सुनो, पिछली घटना रिवर पे थी, वहाँ पे बच्चों उठाकर लेकर जाकर ये परसों की, हाँ चौथी घटना शास्त्री, वो भगवान को मिले ना हम जाकर शास्त्री नगर की चौथी घटना। देखो तीन घटना में तो मैं नहीं गया, लेकिन वो जो भगवान का रविवार पेट में था उसको हम जाकर मिले, वो हमारे पहचान का था। सुनो, आशमपीर मस्जिद का जो मसला उठा, तो वहां के ट्रस्टी, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, वहां पर जो हमारे हिंदू भाई किराएदार है वो उनको चाहिए भी नहीं था कि मसला उठाने का, क्योंकि एक तो वो किराए भी नहीं देते और किराया भी आए तो 2 रुपए 4 रुपया है, आज 2-4 रुपये में कहीं मिलता है क्या? ये लोग है ना, पहले के लोग एक दूसरे को मुस्लिम भाईचारा था, बाजू में चिराग लगाने के लिए भी लोग जगह देकर रहने दिए हुए मुस्लिम समाज के, कि हमारे बाजू में रहो बोलकर। पहले ऐसा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, अब नहीं है। वो लोग अगर ऐसा मसला उठाकर विधानसभा में वो प्रसाद लाड बोलता या वहां पर नीतीश चराने आता, तो वो हिंदू भाइयों को एहसास नहीं कि मुसलमानों ने उनको जगह दी। फारूक शास्त्री यांना तुमच्या आघाडीमध्ये सामील होण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे तुम्ही। जर समजा फारूक शास्त्री तुमच्या आघाडीमध्ये सामील झाले नाही, तर त्यांच्या विरोधात तुमची आघाडी त्यांच्या विरोधात उमेदवार देणार का? जर फारूक शास्त्री आमच्या आघाडीत सामील झाले नाही, तर आमचे समाजाचे उलमा लोक आणि समाजाचे प्रतिष्ठित लोक जे निर्णय घेतील, उमेदवारी द्या, आम्ही उमेदवारी देऊ। आता एकमेकाशी सलोखा राखण्यासाठी, शहराच्या विकासासाठी आपल्याला एकत्र यावंच लागेल, आपल्याला बीजेपीला रोखण्यासाठी आपण एकत्र यावंच लागेल। का म्हणजे इथं आता राम सातपुतेला 90,000 मतं पडलेली आहे, ते राम सातपुतेला 90,000 म्हणजे बीजेपीला 90,000 मतं पडलेली आहे, फक्त 700 मतांची लीड आहे शहर मध्येला। तर ह्या जातीवादी शक्तीला रोखण्यासाठी आपल्याला एकत्र यावं, एक समाज रोखू शकत नाही, सब मिलकर सर्व समाज जर मिळून एकत्र आले तर आपण बीजेपीला रोखू शकतो, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे। बघा, महाराष्ट्रात एकही दंगल एमआयएममुळे झाली नाही, एमआयएमच्या एकही कार्यकर्त्याने असंवैधानिक काम केला नाही, आणि एमआयएमच्या कुठल्याही नेत्याने असा प्रक्षोभक भाषण केला नाही की ज्यामुळे महाराष्ट्रात वातावरण बिघडला, असं कुठलाही आमच्या एकही कार्य नाही जे समाजाविरोध किंवा दुसऱ्या धर्माविरोध आम्ही कधी बोललो, कधी वातावरण टाईट गेलो, असं कधीच झालं नाही। देखो ये बात तेलंगाना की है, उसमें हाईकोर्ट ने उनको क्लीन चिट भी दी है, कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट भी दी है और वो जेल भी जाकर आए हुए हैं, तो इसके बारे में इतने बड़े लेवल पर भाषण नहीं करेंगे। विवादी भाषण देने के बाद उसका रिएक्शन, असद ओवैसी के घर पर हमला हुआ, असद ओवैसी के ऊपर फायरिंग भी हुई, तो ये विवादी भाषण देने के बाद ही हुआ। तो ये तेलंगाना की बात है, ये महाराष्ट्र में थोड़ी हुआ, हम शहर मध्य की बात कर रहे हैं। एक भी दंगल आज तक हैदराबाद में एमआईएम की वजह से नहीं हुई, खासदार चुनकर आते 3-3 लाख वोट के मार्जिन से, तो वहां के लोग चाहते वो लोगों के काम करते, इसलिए तो चुनकर आते ना। सवाल है कि रियाज खेड़ा जी कुछ किसके एमआईएम के, कांग्रेस के, राष्ट्रपति लोगों के सामने जाहिर करो। हाँ, मैं फिलहाल एमआईएम, मैं आज तक फिलहाल आज तक एमआईएम पार्टी का हूँ, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी क्या होगा। तुम्हारा भरोसा नहीं है? देखो मेरी जबान ऐसी है, मुझे कोई भी बर्दाश्त करता नहीं।
सच बोलता। हाँ सच बोलता ही ज्यादा बोलते, ज्यादा नहीं बोलता सच बोलता। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे मध्य विकास आघाड़ी? मध्य विकास आघाड़ी के लिए आखिरी संदेश यही देना चाहता हूँ कि सभी लोग जो इच्छुक उम्मीदवार है, हमारे मुस्लिम समाज के हो, मोची समाज के हो, मागास वर्गीय हो, प्रमोद दादा हो, गायकवाड़ हो, ये भी सीनियर लीडर है, इनका भी राय मशवरा लेंगे, इनको भी साथ में लेकर बैठेंगे, उनकी भी वोट बैंक है, देवेंद्र भंडारे है, देवेंद्र भंडारे को साथ में लेकर बैठेंगे, फारूख भाई को कन्विंस करेंगे कि साहब अपने को जीतना है वो तो दो समाज का साथ लेना पड़ेगा और दो समाज को लेकर हम जीत सकते, एक समाज की वोटिंग पर आमदार नहीं आने वाला, हम 34-35 साल से देख रहे हैं, तो इसके लिए हमको आघाड़ी करना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी बनी इसीलिए महाविकास आघाड़ी को कामयाबी मिली, 30 हम खासदार चुनकर आए, 31 खासदार। जितने लोग भी आप देख रहे हैं अलग अलग चैनल के ऊपर जो बाइक चल रही है, मैं ही आमदार बनवा, मैं ही ताई का भाई बोल के, ये सब लोगों में कोई कैपेबल है कि नहीं? भी ये उनके कमेंट पढ़ो। आपके पास डिजिटल मीडिया में ये लोग बैठे थे उसके नीचे 351 कमेंट है, वो कमेंट पढ़ो, मेरे बोलने की क्या जरूरत है? कौमी एकता एक अच्छा काम लेकर आगे बढ़ी है, मैं चाहता हूं कि वो कौमी एकता को रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्टर कर अपनी संस्था को कायम रखे और जो भी समाज के मसले मसाइल है, अच्छे लोग उसमें है तो वो अच्छा काम करे और समाज के लिए, आज समाज को चाहिए क्या? आज आमदार हर कोई बोल रहा है कि मैं आमदार को ठहरता, लेकिन मुसलमान समाज के मसले क्या है यही मालूम नहीं ना, हमको चाहिए क्या? तो हमको चाहिए कि अच्छा हॉस्पिटल और उसके साथ एक अच्छी स्कूल। आज हम अपने बच्चों के लिए दर दर भटक रहे अच्छी स्कूल के लिए, तो हमारे पास एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हमारे पास ऐसा फ्री दवा खाना नहीं है जहां पर सोनोग्राफी और सिटी स्कैन फ्री में हो सके, हमारे झोपड़पट्टी की महिलाओं को 700-800 रुपए देकर सोनोग्राफी आम हो गई है, हर डॉक्टर सोनोग्राफी को जॉब बोलता, तो हमारे ऐसे लोग जमा होकर अपनी जकात का पैसा लगाकर सोनोग्राफी सेंटर और सिटी स्कैन सेंटर निकालेंगे तो हमको आमदार बनने की जरूरत नहीं, हम हमारे मसले खुद हल कर सकते हैं। ये इलाही जमादार है सोलापुर में, सब में पहले मुस्लिम चैरिटेबल दवाखाना अल्फाइज के नाम पर इन्होंने शुरू किया है, वो आज भी चाहे कायम दायम है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मदद करे और मुसलमानों को मसले का हल करने के लिए एक लीडरशिप हम चुन नहीं सकते तो वो एक लीडर पैदा करे, ऐसी मेरी कौम से गुजारिश है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि बच्चों के लिए आप जो मुस्लिम के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए तो अभी तक बोले नहीं थे, आरोग्य के लिए बोले, तो तुम्हारे साथ साथ प्रिंसिपल है जिनका पूरा पूरा वक्फा, जिनकी उम्र वगैरह, छोटापुर में जैसा की एक सोशल और एक पानगले बड़े पैमाने पर है, जैसा यहाँ के बच्चों को जब वो इस साल तो बच्चे जायजा लिया गया, इस साल बच्चे 80% 85% में हुआ, 90 को क्लोज हो, बाकी बच्चों के बारे में आप ये सोचेंगे साइंस की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल हमारे प्रिंसिपल से। हाँ सर बताओ। नहीं सर आप बायोलॉजी के टीचर है, क्लास बढ़ाने के वगैरह बारे में आप कभी नहीं? आप सोशल में फिर भी पहले एक डिविजन थी साइंस के, उमेश कॉलेज के बारे में बात करो, वुमेन्स कॉलेज की। हाँ ठीक है सर, तो मैं बताता हूँ, तो इसके पहले भी मेरे कई स्टेटमेंट ऐसे हैं, मैं हमारे समाज के जो पैसे वाले लोग हैं उनको मैं कई बार बताया कि सर आगे आओ, एक बीएससी कॉलेज निकालो साइंस का, अलग फैकल्टी 11-12 साइंस है लेकिन बीएससी नहीं है, हम बीएससी निकालेंगे तो अपने बच्चों को आसानी होगी इंशाल्लाह। डिवीजन एक है साइंस की और क्लास बढ़ाने के लिए, आज वुमेन कॉलेज में जो गर्ल्स की फैसिलिटी के लिए जगह सिर्फ तकरीबन 80-90 दिया जाता, बाकी लड़कियों को बाहर जाना पड़ता, ये लड़कियां जो बाहर मॉक ब्लीचिंग या दूसरे फेस करें उनके लिए सिर्फ प्रिंसिपल जॉब देंगे सर, मुझे ऐसा लगता। क्या जैसा कि विकास मंच के लिए जो नामदार का जो बैठे विकास मंच कौन के लिए, तो प्रिंसिपलों ने कुछ इसके लिए कुछ काम किया था? इसके लिए है ना सर, अभी नई डिवीजन को मान्यता मिलती है ग्रैंड के, नॉन ग्रैंड पर चलाओ बोलते, नॉन ग्रैंड बोले तो टीचरों को फीस देना पड़ेगा।
नहीं नहीं है, लेकिन इस साल है ना नॉन ग्रैंड को लेडीज का डालने वाले है, इलेवन क्लास के लिए नॉन ग्रैंड की परमिशन को डालने वाले। चलो ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।